गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सोमन, मैं फिर से नया एक वीडियो लेके आ गया हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो बेसिकली मैं केप ब्रिटेन में हूँ एंड दिस इज अ वेरी गुड एंड ब्राइट मॉर्निंग इन केप ब्रिटेन। हम लोग कल रात को ही यहाँ पे आए केप ब्रिटेन में और एयरबीएनबी में हम लोग रुके हैं और दिस इज आवर एयरबीएनबी। यहाँ पे हम लोग रुके हैं और ये काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है। तो मैं साइड से थोड़ा सा एक वॉक अराउंड दूंगा आप लोगों को, तो आप लोग देख पाओगे। और ये सामने का नज़ारा देखिए दोस्तों, हम लोग तो आए हैं बस एक दिन के लिए, आज 31 दिसंबर है। आज हम लोग यहाँ पे एंजॉय करेंगे दोस्तों के साथ, हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन यहाँ का जो सीनरी है दोस्तों, यहाँ का जो सीनरी है देखिए, चारों तरफ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों कि हम, मतलब मुझे तो लग रहा है कि कहीं पे ना जाके बस यहीं पे बैठे रह के हम लोग दिन भर यहाँ पे बस ये सीनरी देख सकते हैं। देखिए एक साइड में पहाड़ है, सामने ये दोस्तों समुंदर है, ठीक है। जो पीछे जो आप देख रहे हो दैट इज़ अटलांटिक ओशन, और उस अटलांटिक ओशन से छोटा सा एक चैनल इसके अंदर आया है और सामने एक ट्रेल भी है। तो बेसिकली ये जो जगह है कैबोट ट्रेल के बिल्कुल पास है और बहुत ही बढ़िया जगह है दोस्तों। और यहाँ पे चारों तरफ जो आप घर देख रहे हो ये मैक्सिमम एयरबीएनबी है, जहाँ पे लोग आते हैं समर के टाइम पे या मतलब किसी भी टाइम पे, आप केप ब्रिटेन किसी भी टाइम पे आ सकते हो। और देखो आज उतना ठंडा भी नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा विंडी है, थोड़ा सा हवा चल रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर, लेकिन उतना ज़्यादा ठंड नहीं है दोस्तों। और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, चारों तरफ का जो ग्रीनरीज है बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अगर आप लोग हैलीफैक्स आ रहे हो और अगर आप लोगों को वीकेंड में कहीं पे जाने का मन करे, थोड़ा सा रिफ्रेश होने का अगर मन करे, तो केप ब्रिटेन इज़ वेरी वेरी नाइस प्लेस फ्रेंड। आज तो हम लोग ये थोड़ा सा हम लोग ड्राइव करेंगे, आसपास क्या है हम लोग थोड़ा सा घूम के देखने वाले हैं। तो कल बहुत रात को हम लोग आए हैं और जब मैं ड्राइव करके आ रहा था उस टाइम पे तो कोई गाड़ी भी नहीं, रास्ता पूरा खाली था, थोड़ा सा हवा चल रहा है, पता नहीं मेरा वॉइस क्लियर जा रहा है नहीं जा रहा है, मेरे पास आज वो माइक नहीं है, सो थोड़ा सा आप लोगों को शायद दिक्कत हो सकता है सुनने में, बट दिस एक्सपीरियंस इज ऑसम फ्रेंड। अगर आप कनाडा आते हो, स्पेशली अगर आप हैलीफैक्स आते हो, हैलीफैक्स का एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है कि दिस इज सराउंडेड बाई अटलांटिक ओशन और छोटा छोटा पहाड़ है आसपास, देखिए बहुत सारा पहाड़ है। और कल जब मैं ड्राइव करके आ रहा था दोनों तरफ बस पहाड़ी था और फॉरेस्ट था, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है। और अगर आपका किस्मत अच्छा रहे तो आपको ब्लैक बियर भी देखने को मिल सकता है। जैसे कल मेरे एक दोस्त को, जब वो रात को आ रहा था ड्राइव करके मेरे पहले, तो उसको डियर मिला रास्ते में, एंड दो डियर मिला जो रास्ता ऐसे इधर से इधर क्रॉस कर रहा था, और वो डियर का साइज़ बोल रहा है कि बहुत बड़ा डियर था, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा डियर था। सो नहीं है, सो वो अच्छा लगता है। हम लोग के देश में तो एनिमल हम लोग बहुत कम देखते हैं, वाइल्ड एनिमल, ये तो यहाँ पे चारों तरफ वाइल्ड ही वाइल्ड है, तो आप चारों तरफ वाइल्ड एनिमल देख सकते हो, एक एडवेंचर काइंड ऑफ फीलिंग आपके अंदर आता है। और सबसे बड़ी बात है आपके साथ आपके बच्चे एंजॉय करते हैं, राइट, क्योंकि एनिमल देखने में बच्चे लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कल जब मैं आ रहा था मेरे बच्चे मुझे बार बार पूछ रहा था कि पापा ये बियर आएगा क्या, बियर आएगा क्या, ब्लैक बियर आएगा क्या। सो ब्लैक बियर हम लोगों ने अल्बर्टा में देखा था, हम लोग जब बैंक गए थे तो हम लोग देखे थे ब्लैक बियर रास्ते के रोड क्रॉस कर रहा था, उसका भी एक डिटेल वीडियो है मेरे पास, लेकिन उस टाइम पे मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, अदरवाइज मैं वो अपलोड करता। और ये देखिए ये जो घर है, बेसिकली दिस इज द एयरबीएनबी, यही पे हम लोग रुके हैं। ये पूरा प्रॉपर्टी इन लोगों का है और अंदर 7 बेडरूम है, ठीक है, 7 बेडरूम है और मोर देन सफिशियंट। हम लोग 5 फैमिली आए हैं, टोटल 15 लोग हैं हम लोग, 10 एडल्ट और 5 बच्चे हैं, तो इसमें सफिशियंटली हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पे भी छोटा छोटा घर है, शायद ये भी एयरबीएनबी है। तो चारों तरफ का थोड़ा नज़ारा देखिए दोस्तों, ऐसे नज़ारा में लगेगा कि आप बस आओ, रिलैक्स करो, खाना खाओ, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ टू मी, कि वीकेंड पे अगर आपके पास टाइम हो, अगर आपका उतना स्ट्रेस ना हो, पॉकेट भी उतना भारी ना पड़े, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन वो बहुत ही नॉमिनल पैसा खर्चा हो रहा है हम लोगों का और उसमें एंजॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है। बस आपके पास एक कार्ड होना चाहिए, अगर आपके पास कार्ड है देन यू आर ऑल गुड, और अगर कार्ड नहीं है देन आपको कार रेंट पर लेना पड़ेगा, या फिर रेंट भी बहुत ईजी है,
कार रेंटल कैसे लिया जाता है उसके ऊपर मैं एक बाद में वीडियो दूंगा, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कार नहीं है नोवास्को से आने के बाद या हेलीफैक्स आने के बाद, देन ऑल्सो यू शुड बी गुड, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि कनाडा में कार रेंटल एजेंसीज बहुत है, तो आप किसी से भी कार रेंट में ले सकते हो। और अगर आपके दोस्त थे जिसके पास ऑलरेडी गाड़ी हो तो आप उनके साथ एडजस्ट करके आ सकते हो। तो या दिस इज़ गुड। देखो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी है, बच्चों का छोटा छोटा पार्क है इधर, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, आपके बच्चे यहाँ पे इंजॉय कर सकता है। इधर भी कुछ है, आज रात को हम लोग यहाँ पे बॉनफायर करने वाले हैं, रात को आग लगा के, लेकिन वो अपने देसी स्टाइल में हम लोग थोड़ा सा बॉनफायर करेंगे, रात को थोड़ा तंदूरी चिकन हम लोग खाएंगे। साथ में मेरा एक दोस्त है जिसको मटन बहुत अच्छे से पकाना आता है, वो मटन पकाएगा। और बस यही है दोस्तों, हम लोग इन्जॉय करने वाले हैं और 12 बजे हम लोग सब मिलके हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे एक दूसरे को, फैमिली को कॉल करेंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस इन एडवांस। आई डोंट नो ये कब मैं अपलोड कर पाऊंगा ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा लो लग रहा है मुझे, तो शायद न्यू ईयर हो जाने के बाद ही ये वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। बट लाइक नो हैप्पी न्यू ईयर बाय द वे, लाइक नो जब भी आप ये वीडियो मेरा देखो, आप लोगों को मेरा बेस्ट विशेस। आप लोग जल्दी कनाडा आओ, कनाडा आने की कोशिश करो, कनाडा कैसे है, आप आओगे, क्या प्रोसेस है, उसके ऊपर भी मैं टोटल एक वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं कैसे आया कनाडा और मेरा क्या बैकग्राउंड है उसके ऊपर भी दूंगा, ताकि कुछ लोगों को एटलीस्ट मोटिवेशन मिले। और कनाडा आने से पहले आप टोटली मेंटली प्रिपेयर हो पाओ, यहाँ पे कैसे लाइफस्टाइल है, क्या है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पैसा खर्चा होगा या आप बहुत ज़्यादा इनकम करते हो या आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो तभी आप ये लाइफ लीड कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सब कुछ ईजी है एंड एवरीथिंग इज़ मेड फॉर ह्यूमन। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लाइक यू नो जो बहुत बड़े लोग है, पॉलिटिशियन है, या बहुत पैसा जिन लोगों के पास है, बस वही लोग यहाँ पे इंजॉय करता है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो टीम होटल में काम करता है, छोटा मोटा काम करता है, वो भी लाइफ ऐसे ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे जो सोसाइटी बना है, सोसाइटी ऐसे ही बना है दोस्तों। यहाँ पे डजंट मैटर आप क्या हो आप, लाइक यू नो यहाँ पे सब कुछ कॉस्ट ऑफ लिविंग सबके लिए बराबर है एंड ऑलमोस्ट सेम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी गुड एंड यू कैन इंजॉय एंड यू कैन रिलैक्स, राइट। यहाँ पे आपका स्कूल जो है दैट इज़ स्पॉन्सर्ड बाई गवर्नमेंट, आपका मेडिकल जो फैसिलिटीज है दैट इज़ स्पॉन्सर्ड बाई गवर्नमेंट, तो लोग यहाँ पे जो भी पैसा कमाते हैं लोग इन्जॉय करते हैं, और द वीकेंड दोस्त के साथ, फैमिली के साथ निकल पड़ते हैं, जैसे हम लोग आज निकल पड़े। तो एनीवे, सो छोटा सा एक वीडियो था, दिस इज़ गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम केप ब्रिटन। हम लोग केप ब्रिटन में है और केप ब्रिटन आप ही हम लोग जाएंगे ड्राइव करके, अंदर थोड़ा सा केबो ट्रेल है वहाँ पे अंदर जाएंगे हम लोग, देखेंगे अंदर क्या है। यहाँ पे सीनरी बहुत अच्छा है और ठंडा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वंस अगेन दिसंबर के लास्ट डे टुडे 2022, बट उतना ठंडा नहीं है और मेरे पास एक ही जैकेट पहन के मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ टोपी वोपी कुछ नहीं पहना मैंने, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। आई एम जस्ट एन्जॉइंग दिस वेदर, बहुत अच्छा वेदर है दोस्तों, बहुत अच्छा वेदर। बस थोड़ा सा सानी हो जाए, सानी होगा तो ये क्या होगा, ये जो पानी है पीछे समुंदर का जो पानी है वो पूरा ब्लू कलर आएगा, तो ब्लू कलर वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फोटो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सो एनीवे, आप लोग देखते रहिए मेरा चैनल, कुछ क्वेश्चन हो कुछ कमेंट हो आप लोग कर सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।